डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सजमनी फर्स्ट में। और आज मैं 10th सेंटर का 5th लेसन जो है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की झलक, ठीक है, इंडिया की झलक में फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था, ठीक है, जो कि अ बेकर ऑफ गोवा फर्स्ट पार्ट का नेम था, उसको मैंने बताया था, उसको मैंने आपको समझाया था कि बेकर ऑफ गोवा उस समय पोर्टुगीज रूल था और गोवा में बेकर्स की क्या कंडीशन थी उस समय, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब सेकेंड पार्ट जो है वो है कुर्ग। कुर्ग जो है बेसिकली एक जगह है कर्नाटका में, इंडिया के कर्नाटका स्टेट में ये जगह है, ठीक है। तो कुर्ग के बारे में ऐसा कहा गया है, कुर्ग अ हेवन प्लेस, ठीक है। कुर्ग को क्या बोला गया है, एक हेवनली प्लेस बोला गया है, ठीक है, कह सकते हैं कि वो धरती पे स्वर्ग जैसा है। कुर्ग लाइज बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर। मैसूर और मैंगलोर के बीच की ये जगह है, एक कोस्टल टाउन है, मतलब समुद्र के किनारे का एरिया है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस लाइक हेवन, ये बहुत सुंदर जगह है, ठीक है, इसको हेवन की तरह बताया गया है। इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसा कहा गया है कि भगवान ने खुद इस जगह को बनाया होगा। स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स लिव इन इट, ठीक है। यहां पे आपको स्ट्रॉन्ग मैन देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग मैन मीन्स जिनकी हाइट बॉडी अच्छी हो, ठीक है, पर्सनैलिटी वाइज और हाइट वाइज बॉडी वाइज वो यहाँ के जो मैन होते हैं वो होते हैं, और वुमन जो है वो मोस्टली बहुत ब्यूटीफुल होती है। और यहाँ पे आपको बेसिकली ये एक माउंटेनियस एरिया है, तो यहाँ पे आपको वाइल्ड क्रिएचर्स भी देखने को मिलेंगे। कुर्ग्स वेदर एंड एनवायरमेंट, अब बात की गई है कुर्ग के वेदर की, एनवायरमेंट की बात की गई है। कुर्ग और कोडागू, वहां के लोग कोडागू नाम से भी उस जगह को बोलते हैं। कुर्ग और कोडागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। इट हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, मतलब पूरे साल यहाँ पे फॉरेस्ट की हरियाली देखने को मिलती है, साथ में यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह, ठीक है, इस तरह के फॉरेस्ट है जहां से स्पाइसेस मिलते हैं और कॉफी प्लांटेशन होता है। मैनी विजिटर्स कम टू इन बिटवीन सेप्टेंबर टू मार्च, ओके, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि अगर आपको उस जगह को देखना है तो आप सेप्टेंबर से मार्च के बीच में जाइए, क्योंकि मार्च के बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो मोस्टली बारिश का टाइम पीरियड होता है, एंड रेनी सीजन इज नॉट गुड फॉर फॉरेस्ट एरियाज। द वेदर इज फाइन देन, द एयर इज फुल ऑफ कॉफी फ्लेवर, ठीक है। तो मार्च से लेकर सेप्टेंबर का जो टाइम पीरियड होता है उस समय का मौसम बहुत अच्छा होता है, और वहां पर आप जाओगे तो वहां की हवाओं में आपको कॉफी की सुगंध मिलेगी। अब बात की गई है कुर्ग के लोगों की, वहां के लोग कैसे हैं। द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट, ठीक है, बेसिकली ग्रीक और अरेबिक, ठीक है। यहां पे कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी है वो आई थी यहां पे, और यहां से फिर उनको निकलने का रास्ता नहीं मिला था तो परमानेंटली यहीं पे रह गए थे, और वहां के जो लोकल पीपल है, ठीक है, उनसे मैरिज वगैरह करके, और इसलिए आज की जनरेशन जो है वहां की वो इस तरह की देखने को मिलती है। नॉर्मली मैन जो होते हैं वहां के, मेल जो होते हैं उनकी हाइट अच्छी खासी होती है, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। फीमेल जो है, ठीक है, वो भी दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होती है वहां की। द स्टोरी गोज दैट अ पार्ट अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल हियर, ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर की आर्मी यहां पे आई थी और यहीं पे सेटल हो गई थी। इट मैंने आपको, आप जब SS की बुक पढ़ते होंगे 10th की, तो उसमें बताया गया है कि इंडिया जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे कल्चर का एमलगेमेशन मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे कल्चर मिक्स हुए हैं, बहुत सारे जगह टाइम टाइम पे बहुत सारे जगह के लोग यहाँ पे आके सेटल हुए हैं, और इसलिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे। दिस पीपल मैरिड एमोंग द लोकल्स, दिस कल्चर इज सीन इन द मैरिटल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, ठीक है। वहां पे जब आप वहां की जब मैरिज देखोगे आप, या जो रिलीजियस फंक्शंस होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सिर्फ इंडियन रिलीजन रिचुअल्स यहाँ पे फॉलो नहीं होते, ठीक है, बाहर के लोग जो यहाँ पे आके सेटल हो गए थे, तो उस तरह के भी आपको रिलीजन राइट्स वहां पे देखने को मिलेंगे। द अरब ओरिजिन इज सीन इन द लॉन्ग ब्लैक कोट वर्न बाय कोडागूज, ठीक है, इट इज नोन एज कुपिया, ठीक है। वहां जो ड्रेस पहनते हैं लोग उसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है, कुपिया, ठीक है, ये ब्लैक कोट होता है, ठीक है, ब्लैक कोट, ठीक है, ब्लैक कलर का कोट ऊपर से नीचे तक, ठीक है, लॉन्ग कोट होता है, इसको बोला जाता है कुपिया। इट इज लाइक द कुपिया वर्न बाय अरब्स एंड द कोट्स, ठीक है, अरबिक पीपल जिस तरह के ड्रेसिंग करते हैं उसी तरह के ड्रेसिंग आपको यहाँ पे, वहां यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं कुर्ग में, ठीक है, वहां के लोगों की भी ड्रेसिंग आपको इस तरह से ही दिखेगी। अब बात की गई है
कुर्ग के लोगों की। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मतलब स्वागत, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ के लोग आपकी कह सकते हैं कि स्वागत सत्कार अच्छी तरह से करेंगे। द पीपल हैव मैनी टेल्स ऑफ ब्रेवरी, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अपने पूर्वजों की बहादुरी की कहानी आपको सुनाया करेंगे। कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। कुर्ग रेजिमेंट जो है, यहाँ के लोग जो है, इनकी एक अलग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, ठीक है। और हम एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट में काउंट होता है, मतलब यहाँ के जो लोग है वो आर्मी में हायर पोस्ट पे होते हैं और डेकोरेटेड कह सकते हैं, मतलब उनके यूनिफॉर्म पे बहुत सारे मेडल्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कि मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जनरल करियप्पा, यहाँ पे एक नाम लिया गया है जनरल करियप्पा का, ठीक है, जनरल करियप्पा। तो जनरल करियप्पा जो है वो यहीं से बिलोंग करते हैं। तो जनरल करियप्पा द फर्स्ट आर्मी चीफ वॉज अ कुर्गी, इंडिया के जो फर्स्ट आर्मी चीफ थे जनरल करियप्पा, ही वॉज ऑल्सो बिलोंगिंग टू दैट प्लेस ओनली। इवन टूडेज कोडाबूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, ठीक है। आज के टाइम पे भी यहाँ के जो लोग हैं, कुर्गी पीपल हैं जिनको कोडाबूस बोला जाता है, वो आज भी बिना लाइसेंस के अपने पास आर्म्स रखते हैं, ठीक है, हथियार रखते हैं। अब बात करते हैं वहां के वाइल्ड लाइफ की। मैंने आपको बताया है कि ये जो जगह है कुर्ग, ठीक है, वहां के लोग और वहां के वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो वहां के वाइल्ड लाइफ कैसी है। द रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग्स फॉरेस्ट एंड हिल्स, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि रिवर कावेरी जो है वो वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। कुर्ग का जो फॉरेस्ट एरिया है, हिली एरिया है, वहीं से रिवर स्टार्ट होती है। महसीर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फेस इज फाउंड इन दीज वाटर्स, और वहां पे जो भी वाटर के रिसोर्सेस है, वहां पे आपको जो सबसे बड़ी फिश है, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी फिश जिसको महासीर बोलते हैं, वो वहां पे मिलती है। किंगफिशर्स, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स आर फाउंड नियर दिस वाटर बॉडीज, ठीक है। और वाटर के जो सोर्स होते हैं वहां पे आपको दूसरे एनिमल भी देखने को मिलेंगे, किंगफिशर्स, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज गिव वन अ गुड कंपनी हियर, ठीक है। साथ में आपको इंसेक्ट्स की वैरायटी भी वहां पर देखने को मिलेगी, बर्ड्स अलग अलग कलर के देखने को मिलेंगे, बर्ड्स, बीज, वाटर बटरफ्लाई, ये सारी चीजें आपको देखने के मिलेंगी। एलिफेंट्स एंजॉय बींग बाथ हियर बाय देयर महाथ्स, और वहां पे नॉर्मल सीन जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है, महावत्स जो होते हैं वो नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, अपने एलिफेंट को उन वाटर सोर्स जो है वहां पर नहलाया करते हैं। द लैंडस्केप, द ब्रह्मगिरी हिल्स गिव द क्लाइंबर अ होल व्यू ऑफ कुर्ग, ठीक है। वहां पे एक पहाड़ है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स, अगर वहां पे आप चढ़ के पूरे का पूरा कुर्ग टाउन की जो ब्यूटी है, ठीक है, उस जगह की ब्यूटी जो है उसको देख सकते हो। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर आइलैंड ऑफ निसरगंधम, ठीक है। एक निसरगंधम नाम का एक वहां पे ब्यूटीफुल आइलैंड है, ठीक है, आप वहां पे रोप ब्रिज के थ्रू जा सकते हो। बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडिया तिब्बत सेटलमेंट लिव इन बेलकुपी हियर, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग 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 बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट महात्मा साधु जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। वन कैन सी देम ड्रेस्ड इन रेड ऑचर एंड येलो रॉब्स, ठीक है। तो उनकी जो ड्रेसिंग होती है रेड कलर की, ठीक है, येलो कलर की, तो उसमें नॉर्मली आपको बुद्धिस्ट जो है मॉन्क्स वो वहां पे देखने को मिलेंगे जो मेडिटेटिव पोज में होते हैं वहां पे। तो बेसिकली यहाँ पे इस लेसन के सेकंड पार्ट में कुर्ग जो नाम की जगह है उसकी बात की गई है, और इसके ऑथर जो है लोकेश एब्रोल, उन्होंने उस प्लेस को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।